Kongbar bima shamangbu tang Changiriza ka shalgara hangkara fashala kasha pandane bishinti bilonia shalgara hangkor fani haba nokbuskango kaido kongbar bima ne shamangbu tang Changirika kukrang bana funogai shalgara hangkor fate kongbar tang bishini dagifa laithan hade basharumbi wati wahoi tongo wati ne ti lombui kongbar kanyeroni mungshash manai kinei hamya anke o kongbar bima zobasur nai awani bukino jonto kongbar kai chanai ro kongbar bima yuzuna pao fai madana bagi koimu naraka shalgara hangkor fa sajo bahir योजना का अवेयरनेस कैंपेन और आईईसी प्रोग्राम आज से शुरू हो रहे हैं। इससे यहाँ से तिलोनिया डीएम ऑफिस के सामने से ये तीन गाड़ी पूरा डिस्ट्रिक्ट का कवर करेंगे और अवेयरनेस करवा देंगे। छह गाड़ी है, तीन गाड़ी नहीं, छह गाड़ी ये पूरा डिस्ट्रिक्ट को कवर कर देंगे। और आप देख रहा होगा पिछले एक हफ्ते में हमारा डिस्ट्रिक्ट और पूरा स्टेट में इतना बारिश हो रहा था और बारिश के वजह से बहुत सारा फसल और बहुत सारा कृषि भूमि और सब जगह पे नुकसान हुआ है। तो इंश्योरेंस का जितने भी इम्पोर्टेंट है अभी पता चलता है। तो इसलिए हमारा सारे कृषक बंधुरा सबाई के हमें अनुरोध करछी अपना सबाई के एटा फसल बीमा योजना से योगदान करूँ और जिखने जिखने कोनो समस्या आछे अपना कुछ समस्या आछे अपना एटा प्लान करूँ। पिछले साल भी हमारा यहाँ से 10,000 के आसपास रजिस्ट्रेशन हुआ था लेकिन बहुत सारे कंप्लेंट है कि कुछ लोगों को इंश्योरेंस का नहीं मिल रहे। लेकिन इस बार हमने ये दूरन करने के लिए हमारा जो ऑफिसर्स है VLW से सारे लोग आपको बता देंगे क्या करना है, कैसे करना है, इंश्योरेंस मिलने के लिए क्या क्या करना है। कल भी हमारा एक मीटिंग हुआ था ऋषि मुख में, इसके बारे में तो डिटेल्ड आलोचना हुआ है। तो उस टाइम तो पंचायत समिति चेयरमैन और चेयरपर्सन ने ऐसा इश्यू रेज किया था। तो मैंने सारा एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट का जितने भी ऑफिसर्स हैं सबको मैं बोलता हूँ कि अवेयरनेस कैंप कंडक्ट करते समय तो जब भी एक नुकसान होगा, जब भी डिसास्टर होगा, ये क्लेम कैसे लेना है, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इसके लिए क्या क्या सुविधा चाहिए और क्यों हमको पैसा नहीं मिल रहा है, इसका क्या इश्यूज़ है, इसके बारे में भी देखने के लिए बोला गया है। तो इसमें जो भी प्रॉब्लम्स होगा वो सॉल्व करेंगे सो दैट हमारे सारे कृषक बंधु को पैसा मिल जाए, क्लेम्स मिल जाए, ये डिसास्टर नेचुरल डिसास्टर का कोई नुकसान ना हो, इसके लिए ये अवेयरनेस कैंपेन होता है हो रहे हैं। एंड मैं सबको अनुरोध करता हूँ इसमें सबसे ये ज़्यादा पैसे का ये नहीं होता है या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और कंट्रीब्यूशन होता है और फार्मर की तरफ भी बहुत कम पैसे का कंट्रीब्यूशन होता है। तो लेने से और उसका क्लेम मिलने के लिए हमारे तरफ से भी बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ इस बार तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, लास्ट ईयर जैसा नहीं है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए CAC के साथ भी हम एक मीटिंग करवा देंगे, कैसे हमारा फार्मर्स को कैसे सपोर्ट करना है और उसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए और क्लेम मिलने के लिए CAC का भी सपोर्ट ले लेते हैं।